नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। आज का ये वीडियो कम्प्लीटली मोटिवेशनल होने वाला है। करंट सिचुएशन हमारी दुनिया की, हमारे देश की और हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो क्या इस समय में हमें कम्प्लीटली डिमोटिवेट हो जाना चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए? आपने थंबनेल देख लिया है, मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी स्थिति को समझ पाएंगे और आप जान पाएंगे कि क्यों कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग विफल हो जाते हैं। ये मेरे अपने विचार हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, पर ये किसी को भी एक तरीके से बुरा या भला दिखाने की कोशिश यहाँ पे नहीं की गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो हमारी करंट सिचुएशन है, स्पेशली शेफ लोगों की इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो अब यहाँ पे जो मैं पहला पॉइंट ले रहा हूँ वो है हमारी करंट सिचुएशन को लेके। और मैं यहाँ यही बोलना चाहूँगा कि सिचुएशंस हमेशा बदलती रहती है, सिचुएशन कभी भी परमानेंट नहीं होती है। जो भी किचन में काम करते हैं, जो भी शेफ लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमेशा अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि जो भी उनकी करंट सिचुएशन चल रही है, आज से पहले जिसकी नौकरी अच्छी चल रही थी उसको लगता कि भैया यही बेस्ट है मेरे लिए और मैं यहीं पे सालों साल गुजार दूँ, या जिसकी भी नौकरी बुरी लगती थी तो उसे लगता था कि भैया मेरा तो समय ही ख़राब है, मैं कैसे ना कैसे कि बस अपना टाइम काटते जाऊँ। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है, आपके मन में यही विचार आना चाहिए कि आपकी स्थिति, आपकी जो सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं है। हो सकता है अभी बुरी चल रही हो तो अच्छी ज़रूर आएगी, अगर आपकी अच्छी अभी चल रही है तो और अच्छी भी आएगी। सेम उसी प्रकार से मैं अपना उदाहरण लूँ, मेरी इनकम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, मेरी इवन और बढ़ गई है क्योंकि वो सिचुएशन मैंने लाने की कोशिश की है। दूसरा, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला मेरी इनकम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इवन मेरी इनकम और बढ़ गई है, तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ स्केल ऑफ एक्सपेरिमेंट का। हम लोग एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। जी हाँ, आप में से जितने भी शेफ होंगे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करने से डर लगता है। आप लोग टेक फ्रेंडली नहीं होना चाहते, आपको नहीं सीखना है मुझे ब्लॉग्स कैसे लिखना है, आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं बनानी है, आप लोगों को नहीं सीखना है कि यूट्यूब से भी पैसा कमाया जाता है। जी हाँ, यूट्यूब से भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। जैसे ही मेरी इनकम आएगी, पहली जो इनकम आएगी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर शो करूँगा, और मेरे मेन मकसद यही है आप लोगों को सिखाने का, बताने का, जो मैं कर पा रहा हूँ आप भी वो करिए। हो सकता है कि आप में से कई लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हों, कई लोग मुझसे कम अच्छा कर रहे हों, और कई लोग सीखने की कोशिश कर रहे हों। तो सिर्फ यहाँ पे ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि लाइफ में हमेशा एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लाइफ में एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आप वही पुराने ढर्रे पे रह जाओगे, क्योंकि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कब हम एक रंग से राजा बन जाए कोई पता नहीं चलता। इतिहास गवाह है, KFC चिकन वाले जो अंकल थे, देखिए 76 साल की उम्र में उन्होंने जाके बिजनेस स्टार्ट किया और उनका बिजनेस अब इतना फैल चुका है, वो दुनिया में नहीं रहे पर लोग उन्हें अभी भी याद करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो अपने आप को लेकर हो, टेक को लेकर हो या किसी भी और चीज़ को लेकर हो। तीसरा, यहाँ पे मैं जो अपना पॉइंट रखने वाला हूँ, वी नेवर इन्वेस्ट इन आवर ओन। हम अपने आप पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, जो बिल्कुल सच्चाई बात है। इवन मेरे शेफ से, काफ़ी शेफ लोगों से बात होती है जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े पड़े हैं, कोई भी नहीं इस बात को कम्प्लीटली मानता है कि वो कभी भी अपनी पढ़ाई पे खर्च नहीं करते। जो भी उनकी ट्रेडिशनल एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा में खत्म होगी उसके बाद उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया है, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, उनको इंग्लिश सीखना हो, उनको कम्युनिकेशन सीखना हो या कुछ भी चीज़ हो। तो मैं जो ये बुक्स वगैरह सेल करता हूँ, मैं लोगों को यही दिखाना चाहता हूँ और आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि जनता बहुत बड़ी है, 135-140 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में है। अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज़ है लोगों को दीजिए, आप अगर आप पैसे में भी देंगे, अगर वो चीज़ अच्छी है तो लोग ज़रूर खरीदेंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीज़ लोगों के सामने लानी है जो कि उन्हें पसंद आए, लोग उसे परचेज़ करें, और आपको उससे पहले खुद ही ये सारी चीज़ें करनी होगी। आपको सीखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें कैसी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, अपने अंदर इन्वेस्ट करना है। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती थी, इवन हमारे गवर्नमेंट ने भी अब नई पॉलिसी ला दी है, तो सेम आपको भी नई नई चीज़ें सीखनी है और उन्हें एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना है। चौथा, यहाँ जो सबसे लास्ट पॉइंट बताना मैं चाहूँगा, वी नेवर एक्सटेंड आवर लिमिट्स। हमें जो लगता है, हमें आता है, हम उससे कभी भी आगे जाने की कोशिश नहीं करते। मुझे लगता है कि मैं एक CDP बन गया हूँ, मैं DCDP बन गया हूँ, यही मेरी लिमिट है, या मैं शू शेफ बन जाऊँगा, या मैं एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनने की सोच लूँगा।
पर यहीं पे बात शुरू होती है, यहीं से ज़्यादा आपको सोचना है। मेरा सपना है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला शेफ बनूं यूट्यूब पे, और मैं उस एक एक बोल दीजिए उस राह पे मैं चल पड़ा हूँ, और वो मेरा सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। आप लोग भी इसके गवाह बनोगे। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपनी लिमिट को कभी भी एक लिमिट के अंदर नहीं बांध देना है, एक कहीं पे अपनी सोच को कैद नहीं करना है। हमारी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया उसमें समा जाए। तो आपको कभी भी इंग्लिश अगर नहीं आती है तो आपको अपनी इंग्लिश सीखनी है, आपको कम्युनिकेशन नहीं आता है आपको कम्युनिकेशन सीखना है, आपको अपनी थ्योरीज पे ध्यान देनी है, आपको मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, तो ये सारी चीज़ें सीखनी है। अगर आपको नहीं आती है तो आपको सीखनी ही सीखनी है अगर आप लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स मैंने रख दिए। जो भी एक सफल शेफ़ है वो ये सारी चीज़ें करता है, चाहे आप संजीव कपूर ले लीजिए, विकास खन्ना ले लीजिए, रणवीर बरार ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। हम लोग मैं उनके आगे बहुत ही छोटा हूँ, पर मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं वहाँ एक दिन ज़रूर पहुँच पाऊँ, और आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो वहां भी मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, मैं भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, पूरी मेरी ये आप लोगों से वादा है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।